आज मेरा बेटा छुट्टियां काट के घर आया। बेटा इन्हां दा नहीं गा, मेरे सैकेंड मैरिज है, फर्स्ट मैरिज से बेटा है। उन्होंने एक्सैप्ट किया, घर रखिया 10 महीने। 10 महीने बाद उन्होंने पल्ला भी कुट मार के मुंडे कढ़िया। उदो साडे कोई घर कैमरा नहीं लगे दा, उदो भी कुट के कढ़िया। उदो मैं चलो भेजता मामे घर, 6 महीने मामे घर आ। हुण उहदे ते इल्जाम लांदे आ एसएक्सी है फलाना आइटम, कहिंदे गंदे गंदे लफ्ज़ उहनूं बोलदे आ। 12 साल दे बच्चे इन्ना गंदा अपशब्द बोलदे आ। अज वो घर आया छुट्टियां कट के, कल स्कूल जाना ही। अज वो आया, आंदिया ही अपन नूं नहीं वाड़ना, मैनू भी घरों कढ़ता, ताला लाता अंदर, निकल बाहर, इहनूं लैके निकल बाहर। यह गंदा पता नहीं किहदा वा, जिहदे गंदा लैके आई थी उहनूं दे के आ वापस। इहदे विच दीपका माइन दा पहले 13 साल दा इक बच्चा वा, ठीक है। उदो मैरिज तो पहले इन्होंने कहा था कि असं इन नाल नहीं रखना, यह पहले दस के कुछ जाएगा, पर इसके बावजूद जबरदस्ती साढ़े घर वाड़न दी है। मामला बटाला के गोल्डन सिटी तो सामने आया, जिथे पेशे वजो सरकारी डॉक्टर उत्ते उसकी दूजी घरवाली वालों कुटमार करन दे इल्जाम लगाए गए ने, जिस च उसने पति दे नाल नाल अपने सहुरे ते भी तंग परेशान करन दे दोष लाए ने। इस दौरान महिला वालों सहुरे घर तो बाहर हंगामा भी किया गया। सरकारी डॉक्टर दे डॉक्टरी दे भी कल जाना जी। आइयो हां, तानू अंदर सब कुछ पता दे बावजूद भी स्टेप नहीं चुके कदी। ओ स्टेप पुत्र बैग ही चुका ही जाने, इन्हां नु सारा पता है, इन्हां नु सारा पता है, मैनू कुट दे रो दिन दिहाड़ी कुट दे मैनू। अबे यही जाने, चलो बसो तुसी अपना घर पर, तुसी ओ प्यार नहीं बसो दे ना मैनू 1 मिनट भी। साल हो गया सेंदिया, आज आज वेल उन्होंने मेरे मुंडे नु अंदर नहीं वड़ा दित्ता। हां हां हां, आसमान वेखो दा मुंडे दा बेचारा ना छुट्टियां कट के आया घर, कल स्कूल जाना है। मैनू पता तू चिट्टा चानना है, तू चिट्टा चानना है, मैं फिर भी मरदी रही, आज आ जाएगा वापस, आज आ जाएगा वापस, तू बशारा मैं मैनू थोड़ी पता ही। इस संबंधी महिला ने दस्सिया कि उसका डॉक्टर बिक्रम सूरी दे नाल जदों ब्याह होया सी तां दस्सिया गया कि उसका दूजा ब्याह है, जबकि पता लग्या कि उसके पति ने मेरे नाल तीजा ब्याह किया है। पीड़ित ने कहा कि जदों उन्हां दा ब्याह होया सी तां सहमति बनी सी कि मेरे पहले ब्याह दा बच्चा मिलन लई आ सकता है, पर हुण जदों मिलन दे लई आउंदा तां उसदे नाल भी पति वल्लों मारकुट कीती जांदी है। मैं दीपिका महाजन, मेरा ब्याह विक्रम सूरी नाल होया, 1 दिसंबर 2021 च होया सी। बेटी दे होण तों पल्लां दीआं लड़ाइयां शुरू हो गईआं, इहनां ने मेरे ते शिकायतां शिकरनियां शुरू करती दीआं सी। समझ नहीं आउंदी फिर इहनां ने की चाहुंदे की नहीं। आए दिन कुट मार, आए दिन शिकायतां, मेरे कोर्ट केस भी चलदा पिया वा, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੇਟ ਤਰੀਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਫਸਟ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਰੱਖਿਆ 10 ਮਹੀਨੇ। 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਵੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਦੀ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਏਜ 12 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਭੇਜਦਾ ਮਾਮੇ ਘਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਮਾਮੇ ਘਰ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਐਸਐਕਸੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਆਈਟਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਅੰਦਰ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਗੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਵਾਪਸ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਵਿਕਰਮ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਧਰੂਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪਏ। ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਆ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਆ? ਉਹਦੀ 3rd ਮੈਰਿਜ ਆ। 3rd ਮੈਰਿਜ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ 3rd ਮੈਰਿਜ ਆ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, SSP ਕੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 2ਰੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਇਹਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਚੜਾਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਸਹੁਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਰਗਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਸ ਨਾਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ?
मेरे नाल हत्थी पे आ वाल धरोए आ पुंजे सुटे आ भुआंके सुटे आ मुक्के मारे आ मैनू अंदर वड़ के पहला इन्ने विक्रम ने ढिड च मुक्के मारे लत्तां मारे कि जा ना सके बाहर फिर मैं भज्जी बाहर सारी इहदी फुटेज तुसीं चैक कर सकदे हो पुलिस कंप्लेंट भी मैं करती है मैं इंसाफ चाहनी भी मेरी जो सर मेरी कोर्ट की तरीक पई हुंदी है कोर्ट की तरीक की वेट नहीं करते है मेरा डीवी का मेंटेनेंस का दो केस चलते पे आ दूजे पासे पति ने दस्या कि जब साडा ब्याह होया सी तां उस वेले लिखती रूप च सहमति बनी सी कि बच्चा साडे घर नहीं रहेगा पर बार बार बच्चा घर आउंदा है जिस करके ये सारा झगड़ा हुंदा है मेरा नाम विक्रम सूरी है किथे रहंदे जी मैं गोल्डन सिटी कलोनी च रहना वा जी की गल हो रही है जी देखो जी साडी री मैरिज होई है एर विच दीपिका मायन दा पहले 13 साल दा एक बच्चा वा ठीक है उदों मैरिज तो पहले इन्होंने कहा सीगा कि असीं इहनूं नाल नहीं रखना इह पहले दादके कोल जाएगा पर इस दे बावजूद इह जबरदस्ती साडे घर वड़न दी है वो बच्चे दे वीडियोज़ भी असी चाइल्ड वैलफेयर कमेटी को दिते हुए जिस छोटे बच्चे ना सैक्स अब्यूज़ कर रहा वा चाइल्ड वैलफेयर कमेटी ने भी कहा कि तुहाडे घर नहीं रह सकता क्योंकि कानूनों ने साडा वारिस नहीं है पर फिर भी जबरदस्ती लड़ाई पाने वास्ते साडे को पैसे खोहन वास्ते मेरे ते मेरे फादर नूं टोर्चर कर रही है अज भी इन्हें जबरदस्ती उन्होंने अंदर वाड़न की कोशिश की असी मना किया तो यह मेरे हत्थी पई है मेरी टी शर्टा पाड़ी हुई हैं मेरी सट्टा लगी हुई हैं वेख लो तो मुंडा मेरे हत्थों मैं इतने डिगा वा कैमरे सारे लगे हुए हैं मैं उत्थे डिगा वा मेरे को फोटो कैमरे चो कढ़ाई जाए वीडियो मेरा फोन लैके दौड़ गया मुंडा सरकारी फोन है मेरा अगर उस फोन में कुछ भी टैंपर होंगे या कुछ होंगे वो जिम्मेवारी का मुंडा होएगा मैरिज जी री मैरिज है किन्नवी का मैं प्रूफ जावगा जिन्नी कहती है पांचवी है छेवीं है सत्तवी है जिन्हें आरोप लगाए जाने आरोप के सारे प्रूफ डी एस पी सर एस एस पी सर सारी कहानी पता वै पर जबरदस्ती साढ़े इतने केस करने बारे पैसे लाने बारे सू हरास किया जा रहा इस तो बाद असं कुछ नहीं बयान देना बाकी जो भी है एस एस पी ऑफिसर होगा जो है उधर जानकारी देंदे हुए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दस्या कि पति पत्नी का झगड़ा सी जिस पत्नी के सट्टा लगियां ने उसका इलाज किया जा रहा है इस दे नाल ही पुलिस नूं भी सूचना दे दित्ती गई है हाँ जी साडे कोल एक लड़की आई है उसका नाम है दीपिका मजन समा तकरीबन 4:30 बजे लैके आई है डोमैसटिक वायलेंस नाल उन्होंने परिवारक मैंबरों ने उन्होंने ब्रदर ने एडमिट कराया है तो वो एम एल सी एस मैडिकल लीगल केस है तो मल्टीपल इंजरी एडमिट हो एम एल आर उन्होंने कट दी है तो जो इंजरी सी जो उन्होंने जरूरत से अंडर एक्सरे रखी ने एक्सरे उन्होंने हो रहा है तो जो एक्सरे के रिकॉर्डिंग उन्होंने रिपोर्टिंग होगी वो मुताबिक हालात की ने पेशेंट का नाम है दीपिका महाजन वाइफ ऑफ विक्रम सिंह हालात की ने उन्होंने काफ़ी इंजरीज है ने नाम द्वारा बोल दो नाम गल पेशेंट का नाम है दीपिका महाजन वाइफ ऑफ विक्रम सूरी ये गोल्डन सिटी उमरपुरा बटाला के वसनीक दसते पे ने एडमिट ने सिविल हॉस्पिटल बटाला के तो उन्होंने एक्सरे असी करवा रहे हैं जो एक्सरे के रिकॉर्डिंग जो उन्होंने रिकॉर्डिंग रिपोर्ट होगी वो संबंधित थाने भेज गौरतलब है कि इस मामले च हाले तक पुलिस का कोई भी पक्ष सामने नहीं आया पर दोवें धिरां वालों एक दूजे से इल्जाम लगाए जा रहे हैं जिस की कार्रवाई होती है ये तो आने वाला समा ही दसेगा गुरदासपुर तो रोहित गुप्ता पंजाबी लोक चैनल